नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानन आपके लिए लाए आज जयपुर मंडल, जयपुर जो जोन है, जो अजमेर जोन है उसका बीकानेर मंडल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है उसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। और आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रह सके दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इस वीडियो का फायदा ले सके दोस्तों। और चलते ही देखते हैं जो बीकानेर मंडल है वहाँ पे जो मेडिकल कैसे हो रहा है उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। मेरा दोस्त था सत्यनारायण जी ने बात हुई मेरी, सत्यनारायण जी उनका जिला झालावाड़ है और गाँव बकानी है दोस्तों, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनका मेडिकल जो बीकानेर में था दोस्तों। मैंने कल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी डिटेल बताई थी, उसके बाद अब आगे चलते हैं मेडिकल कैसे हुआ दोस्तों। वहाँ पे मेडिकल में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपको वहाँ जाने का एक रूट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे जाना है, सब कौन सी ट्रेन से जाना है ये भी अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आप जयपुर के हो या फिर आप कोटा से हो तो आपको गंगानगर एक्सप्रेस जाती है शाम को 5:20 पे, और आपको जयपुर से हो तो जयपुर वो रात को पहुंचती है लगभग 2:30 बजे के लगभग वो जयपुर पहुंचती है दोस्तों। उसके बाद वो बीकानेर होती हुई श्री गंगानगर जाती है दोस्तों। सबसे पहले आपको बीकानेर रेलवे स्टेशन पे उतरना है, रेलवे स्टेशन एग्जिट गेट बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोस्तों। उससे आपको वहाँ से ऑटो या फिर कुछ से जाना है लालगढ़ पैलेस के पास ही, लालगढ़ में ही बीकानेर, लालगढ़ जो बीकानेर आपका रेलवे स्टेशन है उसके वहाँ से आपको ऑटो कर लेना है या फिर आपको वहाँ से मैजिक मिल जाएगी या फिर आपको सिटी बस मिल जाएगी दोस्तों। उससे आपको वहाँ से करके और सीधे जो लालगढ़ हॉस्पिटल है आपको सीधा बोलना है रेलवे हॉस्पिटल लालगढ़, तो लालगढ़ में स्थित है दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल, और वहाँ पे आपका जो मेडिकल हो रहा है वो पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। आपको रूट पता चल गया दोस्तों, रूट देख के और आप आराम से जा सकते हो। आपका ये है हमारा केवल आपको ये पूरी जानकारी देने का जो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको वहाँ पर कुछ भी मेडिकल में दिक्कत ना है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं मेडिकल में क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। सबसे पहले जो प्रोसेस हो रही है दोस्तों वहाँ पे जो बाहर का गार्डन है उस गार्डन में आप लोगों को रुकने के लिए जगह दी जा रही है दोस्तों। वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, टेंट में आपको बिठाया जा रहा है उस टेंट के अंदर, और अंदर ले जाने से पहले उस टेंट के अंदर ही आपका एक फॉर्मेट दिया जा रहा है। फॉर्मेट के अंदर आप सबके नाम और साइन और मोबाइल नंबर तीनों लिखे जा रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपको अंदर अस्पताल में ले जाया जा रहा है जिन जिनके वहाँ पे साइन करवा लिए, मोबाइल नंबर और नाम लिखवा लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जा रहा है। उसके बाद अंदर ले जाने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट टेबल पर जाना है। फर्स्ट टेबल पर आपको वहाँ पर जो आपका जो मेडिकल के लिए आपने जो भरा था, मेडिकल के लिए आपने वहाँ से जो एक फॉर्म भरना रहता है वो फॉर्म आपको भरना होगा दोस्तों वहाँ पे। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका मेडिकल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको वहाँ पे एक मेडिकल में एक चीज़ चेक की रह जा रही है, और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं दोस्तों आपको कि हमारे जो फेसबुक पेज है दोस्तों वैकेंसी एक्सपर्ट के नाम से, उस पेज फेसबुक का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने एक सूची डाली हुई है कि आपके जांच किस किस चीज़ की जांच हो रही है, सूची की पूरी वीडियो है दोस्तों, 9 मिनट की वीडियो, आपको उसमें पूरी डॉक्यूमेंट का भी पता चल जाएगा और कौन कौन सी जाँचें वहाँ पे हो रही है आपकी, उसकी पूरी डिटेल उस जो वीडियो में है वो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट कमरा नंबर 1 में जाना है। कमरा नंबर 1 में आपका वहाँ डॉक्टर एक पेपर देगा, वाइट पेपर, उस पर यूरिन की टेस्ट हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले यूरिन की टेस्ट हो रही है वहाँ पर, जो आपका जो लालगढ़ हॉस्पिटल है उसके अंदर सबसे पहले यूरिन की टेस्ट हो रही है। यूरिन के बाद आपको एक्सरे रूम में ले जाया जा रहा है। एक्सरे रूम में सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, और वहाँ पे चेस्ट का एक्सरे होने के बाद आपको वहाँ से वेरीफाई करने के बाद आगे ले जाया जा रहा है रूम नंबर सिक्स में ले जाया जा रहा है। वहाँ पर आपको ब्लड और ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, और ब्लड सैंपल पर वो CVS और कुछ दो तरह की और जाँचें जो वो जो हमारे दोस्त थे वो भी नहीं बता सके। उसके बाद आपको रूम नंबर दस में ले जाया जा रहा है। फिर उसके वहाँ रूम नंबर 10 में आपके BP की
प्रोसेस हो रही है। बीपी के लिए आपको वहाँ चार उठक बैठक लगाई जा रही है दोस्तों। उठक बैठक लगाने के बाद आपकी बीपी चेक की जा रही है, वहाँ बीपी में कोई नहीं निकाल रहा है दोस्तों। बीपी के बाद का प्रोसेस ये उसी कमरे के अंदर ईसीजी मशीन लगी हुई है, वहाँ पे ईसीजी की जा रही है दोस्तों। और उसके ईसीजी होने के बाद आपको कम से कम वहाँ पे 10 मिनट का प्रोसेस है, वो 10 मिनट की प्रोसेस के बाद। और वहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है दोस्तों, वो सबके लिए बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों आपसे। वो आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ और कि आपको वहाँ के कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जानी है दोस्तों। शुगर से जो बना हुआ कोई भी आइटम है आपको नहीं खाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हो सके तो छाछ पी लीजिए, छाछ से आपका जो टेम्परेचर वो भी सही रहेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। शुगर का कोई भी आइटम, कचौरी समोसा न खाएं दोस्तों, इनसे भी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ये इनमें कुछ जंक फूड होते हैं जो ऑयली होते हैं, अगर आपको वहाँ पर मान लीजिए कोई टेस्ट में अगर कुछ आता है तो आपको दिक्कत आ सकती है बाद में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं आपको, हाँ उसके बाद आपको जो हाइड्रोलिक टेस्ट है उसके लिए ले जाया जा रहा है। हाइड्रोलिक टेस्ट आपका, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए वहाँ पे कमरे में ले जाया जा रहा है, एक एक बंदे को ले जाया जा रहा है, ग्रुप में नहीं ले जाया जा रहा है। और वहाँ पे जो डॉक्टर है वो हाइड्रोलिक टेस्ट ये है कि ऐसे नहीं कि आपको छूकर कर रहा हो, किसी चीज़ को छूकर नहीं कर रहा है, वो दूर से देख के और हाइड्रोलिक टेस्ट कर रहा है दोस्तों। उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए आप अगर नौकरी के लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, मेडिकल की जो रेलवे की प्रोसेस है वो तो वो करेंगे दोस्तों। आपको निवस्त्र कर दिया जाएगा वहाँ पे, और निवस्त करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आ रही है कि ग्रुप में नहीं है वो, जो कोई दिक्कत आए आपको वहाँ पे एक एक जाके आराम से आप अंदर कमरे के अंदर सारा काम अंदर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद वहीं उसी कमरे के अंदर पाइल्स चेक की जा रही है, पाइल्स भी दूर से ही वो वहाँ से दूर से ही देख रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपकी रह जाती है कलर ब्लाइंडनेस की और कलर विजन की। तो इस दोनों की प्रोसेस के लिए आपको अगले वाले जो एक हॉल है, हॉल में ले जाया जा रहा है। हॉल के अंदर आपको एक बुक्स दिखाई जा रही है, वहाँ पे दो या तीन बुक्स थी, मेरा दोस्त बता रहा था वहाँ पे दो या तीन बुक्स थी। आप अगर उस बुक्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो दोस्तों, कलर ब्लाइंड बुक्स, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स है, जो सारी बुक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि वहाँ पे निकाला जा रहा हो, वहाँ पे जो डॉक्टर है कोऑपरेट कर रहे हैं दोस्तों आपसे। और वो ऐसी कोई बात नहीं किसी को बाहर नहीं कर रहे, रीमेडिकल का मौका दे रहे हैं। रीमेडिकल का मौका देने के बाद ही आपको वो वहाँ से, अगर आप ज़्यादा ही दिक्कत है तो उस बंदे को ही निकाल रहे हो और किसी को नहीं निकाल रहे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ था दोस्तों। और उसके बाद आगे चलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, जो फेसबुक पे भी आ रहा है मेरे पास और यूट्यूब पे भी आ रहा है, सबसे ज़्यादा सवाल है पाइल्स। दोस्तों ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो बीकानेर मंडल का जो बीकानेर मंडल में लालगढ़ में हो रहा है, जो पाइल्स की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ये हाइड्रोलिक की भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा नॉर्मल एकदम नॉर्मल हो रहा है। अगर आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रीमेडिकल के लिए लगा दिए, रीमेडिकल में आपको पास कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको एक चश्मा, अगर आपको 6x6 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और 6x9 है या 6x12 है तो आपको एक चश्मा ले जाना पड़ेगा दोस्तों, बनवा के चश्मा ले जाएं दोस्तों। अगर आपको वहाँ दिक्कत आती है तो आप चश्मा भी पहन सकते हो, चश्मा अलाउ कर रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको चश्मा घर से ले जा रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर किसी बंदे के टेट्यू बना हो या फिर किसी चीज़ कोई चीज़ लिखी हो हाथ या कहीं पर, तो उसका कोई इशू नहीं है दोस्तों, उसका कोई वहाँ पे इशू नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि कोई टेटी वगैरह इस चीज़ पे कोई नहीं है सर दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आपका जो कान है, जो कान को बैटरी लगा के चेक कर रहे हैं, कोई मशीन से चेक नहीं कर रहे। उसके बाद आपको मुंह में टॉर्च लगा के चेक कर रहे हैं, कोई मशीन से चेक नहीं कर रहे। जो मुंबई जोन के अंदर अपने पुणे में जो अच्छी तरह से उनको मशीन लगी हुई है, वो मशीन के द्वारा चेक कर रहे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जो आपके सारे टेस्ट होने के बाद आपको वहाँ पे एक लेटर दे दिया जाएगा दोस्तों, एक प्रमाण पत्र कि आप फिट हो और आप आगे की प्रोसेस के लिए एलाओ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए जोन की वीडियो लेके,
जो नया जोन कोई सा भी हो सकता है, मैं आपको जहाँ जहाँ से मेरा कांटेक्ट किसी से होगा तो मैं उसे कांटेक्ट करके मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।